अन्युवासयो, आज हमारे साथ में है हमारे लेवल वन बैच की स्टूडेंट जिन्होंने जस्ट लेवल वन कंप्लीट किया है अभी, अनु। और अनु से हम बात करेंगे उनकी कोरियन लैंग्वेज लर्निंग जर्नी के बारे में, उनकी जो भी एक्सपीरियंस उनका रहा है उसके बारे में, और वो और जो लोग सीखना शुरू कर रहे हैं कोरियन लैंग्वेज उनको कुछ वो बताना चाहेंगी, तो उन चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे। सो अनु, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। अन्युवासयो। अन्योंगा ने खरम अनुशी ने छागी सोगे बुत्तो सीजा खाल कायो। शैल वी स्टार्ट विद योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई जनरली आस्क एवरीवन इज कि व्हाई डिड यू स्टार्ट लर्निंग कोरियन? एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट? My friends were so much interested in dramas, even अच्छा। in K-pop. But I don't know that time that much about this K-pop and all. But मेरे को एक था अंदर से कि मैं ठीक है कोई लैंग्वेज मेरे को सीखनी है, क्योंकि मैं नॉर्थ में रहती थी, अब मैं साउथ में आई हूँ, तो मैंने यहाँ पर आके तमिल सीखी. और अच्छा। लाइक लिखनी तो नहीं सीखी, लेकिन बोलनी आती है मेरे को, अच्छे से इनसे कॉन्वर्सेशंस हो जाती है मेरी. तो मेरे को अब ये था कि मेरे को कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीखनी है. ठीक है, फ्रेंड्स इस सब में थे, तो मैंने बोला ठीक है हम लोग कोरियन से ही स्टार्ट करते हैं. इंटरनेट पे थोड़ा गए, सर्च वर्च किया, थोड़ा हंगल स्क्रिप्ट सीखी उससे, एंड आई फॉलोड योर लेसन्स ऑल्सो. सो ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा इंटरेस्ट आया. फिर मेरे को बीटीएस, इधर बीटीएस का बहुत ज्यादा क्रेज है तमिलनाडु में, अच्छा। तो बीटीएस के गाने वगैरह सुने, उनके लाइक लिरिक्स जो थे, इंग्लिश ट्रांसलेशन सब देखी उनकी, तो मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किए वो. तो मुझे लगा ठीक है कि लैंग्वेज सीख ही रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि ऑफिशियल सीखते हैं कुछ, जिससे कि हमको हर चीज एक प्रॉपर पता चले. क्योंकि पहले अगर हमने इंटरनेट से ये सीखा है खमसा मिता, तब भी मैं उसको गलत बोलती थी. मैं बोलती थी खमसा निता करके कुछ बोलती थी अच्छा। उसको, हाँ तो हाँ हाँ कि हम गलत इमिटेट सीखा करते था. हैं, बस जो सुना है उसको हम हाँ जी, इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ जी. तो उस वजह से फिर ड्रामास वगैरह देख रहे थे, तो ये लगा था कि बिना सबटाइटल्स के देखते हैं, इससे कुछ सीखते हैं, बस सीखने का था थोड़ा. तो आपने सीखने का जब डिसाइड किया कि कोरियन लैंग्वेज सिस्टमेटिक तरीके से सीखनी है, तो आपने और भी ऑप्शन देखे होंगे आसपास में, आपके कोर्सेज वगैरह हैं कि नहीं है हाँ जी, तमिलनाडु में हाँ जहाँ आप जी, रह रहे हैं वहाँ? हाँ जी सर, देखे थे. बट यहाँ पर लाइक अदर लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं, जैसे फ्रेंच हुई, स्पेनिश हुई, वो सब सिखा रहे हैं, बट कोरियन का करने बिल्कुल भी कुछ भी कोई नहीं है। नहीं है यहाँ पर. एंड आई ओके वाज ओके लाइक ओके। रियली लकी कि मेरे को आपका आपके थ्रू लर्न करने के लिए मिला. ओके। तो आपको कोरियन लैंग्वेज का जो आपने जो भी कोर्स किया ये, तो उसमें आपको ओवरऑल आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि कितना सीख पाएंगे, क्या कर पाएंगे, हाँ जी उसके हिसाब से आपका क्या रहा एक्सपीरियंस? कुछ मुश्किलें सर, उसके आई? हिसाब से. हाँ जी, हाँ हाँ, कुछ उसके हिसाब से आपको। सर मैं चाहती हूँ, मतलब लाइक बेस थोड़ा हंगल के बारे में भी बताएंगे, दिस एंड दैट के बारे में बताएंगे. ठीक है, उतना मैंने सीखा और उसको ट्राई किया कि मैं बार बार उसे बोल बोल के देखूं, क्योंकि अगर लिखना आता है बट बोलना नहीं आता तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं उसको ट्राई बिल्कुल। कर रही हूँ बोलना भी सीखूं. ओके ओके शुड ओके बी ओके। कन्वेइंग. तो कोरियन आपको सीखना शुरू जब आपने किया था, आपको कुछ लगा होगा कि कितने टाइम में मैं कितना सीख जाऊंगी, तो अभी आपको इतना सीखने के बाद में आपको क्या लगता है कि जितनी उम्मीद थी वैसा ही रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मैंने कम सोचा था, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा मुझे, या आपको वही लग रहा है कि नहीं ठीक है जितना सोचा था वैसा ही है? सर पहले से सोच रखा था मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर आए अच्छा। अगर घुसी गए इस चीज में तो मेहनत तो करनी है पक्का. लेकिन ठीक है, मैं जो इंटरनेट वगैरह से सीख रही थी उससे तो बहुत ज्यादा मैंने सीख लिया है, कि अब मेरे को अगर कोरिया में आप अकेले छोड़ दो तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं गुम हो जाऊंगी ऐसे करके, अच्छा। वहां से आ हाँ सकती हूँ.
ओके और आपको जैसे इतने इतना सीखने के बाद में अक्सर लोगों को लगता है कि 2 महीने में 3 महीने 4 महीने सीखेंगे तो उसके बाद में हम ड्रामा समझ जाएंगे पूरा क्या, या फिर गाने सारे समझ जाएंगे। आपको अभी कितना फर्क पड़ा है, मतलब ड्रामा गाने सुनने में पहले जब कोर्स करने से पहले और अभी, कितना परसेंट थोड़ा बहुत समझ में आपको आता है? आता है तो कितना आता है, आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा समझने में? सर, उनके जो वॉवल्स, जो कॉन्सोनेंट, जो वर्ड अब वो बोल रहे हैं वो ज्यादा क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब ये अच्छा समझ शायद नहीं भी आए वो कि वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बट वो वर्ड क्लियर है। अच्छा, इनने यही वर्ड बोला है, ऐसे करके वो सब समझ आ रहा है, बट लाइक वर्डिंग समझ आ रही है बट मीनिंग्स अभी वर्ड नहीं कौन समझ सा आ है रही। वो? हाँ हाँ जी, आप बस साउंड को कॉपी नहीं कर रहे, आपको पता है कि वर्ड कौन सा बोला जा रहा है वहां पे। हाँ जी, हाँ जी सर, ओके ओके लेकिन ओके समझ तो अभी स्टेज पे तो सर मेरे को नहीं लगता कि स्टेज पे हम गाने या ड्रामास पूरे समझ पाएंगे, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। बीच में कुछ कुछ इजी फ्रेज आ गए, इजी वर्ड्स आ गए, इजी हाँ सेंटेंसेस, तो वो जी, समझ में आ हाँ जाते जी, होंगे आपको। हाँ वही मैं कहता हूँ, मुश्किल है थोड़ा सा वो ड्रामा के लेवल पे पहुंचना कि ड्रामा और लिरिक्स आपको पूरी तरह समझ में आ जाए या 70-80% भी समझ में आ जाए, उस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगता है। लोगों को एक बार सालों लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में, तो क्योंकि वो ड्रामा और वो लिरिक्स आपके लिए लिखे ही नहीं गए हैं, वो लिखे गए हैं कोरियन लोगों के लिए बेसिकली, हाँ जिनको जी, कोरियन जिनकी नेटिव लैंग्वेज है वो। तो हम जितना भी समझ पा रहे हैं वो हम बहुत ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। हाँ जी, ओके तो कोरियन लैंग्वेज सीखने में अनु आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा और क्या सबसे मुश्किल लगा, कौन सा वाला पार्ट आपको सबसे डिफिकल्ट लगा कि ये तो बहुत मुश्किल है? सर मैं बोलूंगी वेकैबलरी मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा, क्योंकि अगर वेकैबलरी तुमको नहीं आती और ग्रामर पैटर्न्स आते हैं तो उसका कोई यूज नहीं है। अगर तुमको करेक्ट। वोकैबुलरी आती है और ग्रामर पैटर्न्स नहीं भी आते तो हम गेस कर सकते हैं क्या बोला जा रहा है वहां पर, तो मेरे राइट को वोकैबुलरी थोड़ी डिफिकल्ट लगी। डिफिकल्ट लगी और आपको? इंटरेस्टिंग तो सर मेरे को कोरियन पढ़ना ही पसंद है, तो मेरे को पूरा इंटरेस्ट से अच्छा ही मैं बैठ के देखती थी। 3 घंटे की क्लास होती थी वहां पर, तो मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं अभी भी मेरे को सीखना है, अभी भी मेरे को सीखना है। बाकी हम यहाँ पर किसी और क्लास से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 3 घंटे बैठ गए तो मतलब बोर। बिल्कुल हाँ वो तो है। चलिए अच्छा है कि आपको बोरिंग फील नहीं होगा, कुछ लोगों को फिर भी बोरिंग लगता होगा, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। हाँ हाँ तो जी, जिसका इंटरेस्ट है उसको तो नहीं लगेगा बोरिंग। तो आपको इसमें आपने कहा कि टाइम की बात, तो इसमें आपको लगता है कि क्लास के बाद में आपने कितना टाइम दिया? हालांकि मुझे पता है कि आप काफी आपने अच्छा कोर्स में किया, आपका काफी ठीक लेवल है आई नो, तो आपने आपने कितना समय दिया और आपको क्या लगता है कि जनरली कोई सीखना चाहता है कोरियन तो उसको कितना टाइम देना चाहिए, पर आवर या पर वीक या पर डे? अगर वर्किंग पर्सन है तो आई थिंक तुम लाइक अल्टरनेटिव डेज में 2 आवर्स भी दोगे तो सीख सकते हैं, टू एंड आवर्स लाइक स्टूडेंट अल्टरनेट स्टूडेंट है तो 1 घंटा तो कम से कम देना पड़ेगा रोज का। पर डे, 1 घंटा हाँ एवरी डे। ओके जी, ओके ठीक है, फेयर इनफ। ओके तो आपको कोरियन लैंग्वेज में जब आपने सीखने का भी डिसाइड किया, तो आपका प्लान जो आगे इसमें है वो ओवरऑल जो एम है आपका कि दिस इज माय डेस्टिनेशन, कि यहाँ तक मैं पहुंचना चाहती हूँ कोरियन लैंग्वेज में, हाँ वो जी, क्या है? यू वांट टू मेक सम कैरियर इसमें, या आपका है कि एक डिसेंट लेवल तक मुझे बस जानना है कोरियन लैंग्वेज की? हाँ क्या आपका आपका गोल क्या है इसमें कोरियन सो लैंग्वेज? मेरे को कैरियर रिलेटेड भी है, एंड लाइक मेरे को ऐसा होना चाहिए कि अगर सब कुछ नहीं आ रहा लेकिन हम डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन आराम से कर सके, ऐसा है। एक्चुअली मेरे फादर जो काम करते हैं उधर कुछ कोरियन पार्टीज आई थी, तो उस समय मेरा इंटरेस्ट भी था कोरियन में, लेकिन मैं उनसे कुछ बोल नहीं पाई थी, सिर्फ अन्यम हसेयो के अलावा कुछ अच्छा और ठीक नहीं है, बोल पाई। तो मुझे ये अच्छा है कि ठीक है, मैं आई कैन हेल्प माई फादर ऑल्सो, और इफ आई गेट सम अपॉर्चुनिटी आई विल गो देयर एंड वर्क। राइट राइट। और आपने किया हुआ है इसमें प्रोफेशनल कोर्स वगैरह, तो डेफिनेटली कोरियन लैंग्वेज आपको आती है, तो दैट्स एन एडिशनल स्किल कि आपके यस, पास में, हाँ कहीं भी आप अप्लाई करते हैं अभी लैंग्वेज बिकॉज बैरियर नहीं रखना सर मेरे को, क्योंकि बिल्कुल। मेरे को पता है कि लैंग्वेज बैरियर की से हम किसी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे अगर ये रहेगा तो। ऑब्वियसली। और आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज सीखी थी या फर्स्ट लैंग्वेज आपकी है फॉरेन लैंग्वेज नहीं से सर, मैंने सिर्फ सीखी इंडियन लैंग्वेजेस सीखी है, मेरे को मारवाड़ी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, और पंजाबी आती है, मुझे नो? काफी लिखने लैंग्वेजेस नहीं आती आती हैं। है, एंड तमिल आती है। तमिल ने कितना टाइम लगा आपको सीखने में? सर लाइक मेरे को 2 इयर्स लग गए थे।
2 ईयर्स, मतलब प्रॉपरली आपने कुछ बैठ के स्टडी किया था या सिर्फ ऐसे ही चलते फिरते बात करते हुए आपको आ गई? नहीं, जैसे क्लासेस में टीचर्स पढ़ा रही है वो वर्ड्स सुन सुन के मेरे को आ गया, लिखनी नहीं आती सर मेरे को, सिर्फ बोलनी आती है। बोलनी, हाँ मैं बोलने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ भी मैंने कुछ लोगों से मैं मिला हूँ कोरिया में, जो मोस्टली नेपाल से या पाकिस्तान ऐसे कंट्रीज से हैं, जो वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं या फार्म में काम करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने कहीं से कोरियन सीखी नहीं है, बट बिकॉज उनका काम काफी बिल्कुल ग्राउंड लेवल का है, वो लोगों से बातचीत करने का, तो कोरियन में ही बोलते हैं सब लोग उनसे। तो बोलते बोलते सुनते 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 उनकी कोरियन काफी अच्छी हो गई है, मतलब दे आर वेरी मच, वो जो कोरियन सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं एमए पीएचडी वाले, उनसे अच्छी कोरियन बोलते हैं। लिखनी नहीं आती उन्हें, लिखनी पढ़नी कम आती है, बट हाँ बोलने में। सो दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग है। तमिल, एक्चुअली तमिल इज आई थिंक इंडिया की सबसे, इंडिया का वर्ल्ड की आई थिंक ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में से है, हाँ जी तो अगर सर। तमिल आपको आती है तो अच्छी बात है। ओके एक मिनट, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा अनु, कि ऑनलाइन कोर्स जो जो कर रहे हैं अभी आप, हालांकि पेंडेमिक के कारण और भी कोर्सेज आपके शायद हो सकता है चले होंगे ऑनलाइन में, तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसके माइनस पॉइंट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, अगर ये सेम कोर्स हम ऑनलाइन ऑफलाइन करते, फिजिकल क्लासरूम में करते, तो क्या बेहतर हो सकता था उसमें? सर मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन क्लासेस अपनी रियल क्लासेस से भी बहुत अच्छी होती है। 95% बहुत अच्छी होती है, एंड लाइक 5% आई वुड से कि हम लाइक फ्रेंड से नहीं मिल पाते, अपने टीचर से पर्सनली नहीं मिल पाते, यही सिर्फ इसका डिसएडवांटेज है, बाकी सारे एडवांटेज ही एडवांटेजेस है इसमें। क्योंकि जैसे अगर क्या एडवांटेज है आप अगर आपको जैसे नॉर्मल आप क्लासेस लिसनिंग में? प्रैक्टिस करवाते हो सर हमको, तो हम अगर नॉर्मल क्लासेस में होते तो हमको उसके लिए एक पर्टिकुलर डे देना पड़ता है, लिसनिंग के लैब में जाओ, वहां पर लिटरेचर लैब में तुम सुनो ये हाँ सब, राइट, बट यहाँ पर ये नहीं होता सर। यहाँ पर हम साइड बाय साइड देख सकते हैं उसको भी, एंड साइड बाय साइड हमारा लाइक जो स्क्रिप्ट है उसको भी साथ में पढ़ सकते हैं, सो एडवांटेज ही है सर इसका तो। हाँ वो मुझे भी लगता है कुछ मामलों में तो नॉर्मल क्लास से ज़्यादा एडवांटेज है। जैसे एक उसका, एक आपने कहा कि क्लासरूम, मैंने भी लैंग्वेज क्लासेस वैसे पढ़ी हैं पढ़ाई हैं, तो लिसनिंग वाला काम करवाना बहुत मुश्किल होता था, जैसे स्टूडेंट भी उठ के बस सारा उठा के किताब विताब लैब में जाओ, वहाँ हेडफोन लगा के सिर्फ सुन सकते हो, क्लासरूम में ना टेप रिकॉर्डर था ना कंप्यूटर होते थे, जी पढ़ाने जी में भी वही प्रॉब्लम होती थी, और पढ़ाने में फोन से चलाओ तो वो पीछे तक आवाज़ नहीं जा रही, एक हो रहा है हाँ प्रॉब्लम्स जी थी। दूसरी रिकॉर्डिंग का भी मुझे लगता है एक प्लस पॉइंट है कि नॉर्मल क्लास में अगर कुछ छूट गया आपका, समझ में नहीं हाँ आया, तो वो गया, हाँ वो इसमें टीचर कि से पूछने में भी थोड़ा लगता है सर, डर लगता है दोबारा हाँ कि क्या बताएंगे कि पूछने नहीं, की यहाँ बात पर है। देख लो जब भी तुम चाहो तुम देख सकते हो। हाँ वो प्लस पॉइंट मुझे भी लगता है कि जो मटेरियल मिल रहा है, अगर जो एफर्ट करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले, तो उनके लिए काफी मुझे लगता है कि प्लस पॉइंट है सीखने को लेकर के इसमें ऑनलाइन क्लासेस में। नहीं सर उसके बाद जो लोग अब नॉर्मली कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं किसी भी तरीके से, जो सीखना शुरू किया जिन्होंने अभी, कहीं एडमिशन लिया है उन्होंने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में, या खुद से सीख रहे हैं ऑनलाइन मटेरियल को शुरू होकर के, तो कई बार वो गलत डायरेक्शन में जाते हैं, बाद में रियलाइज होता है 1-2 महीने पढ़ने के बाद में कि ओ ये तो सही नहीं था, ऐसे करना चाहिए था। तो अभी आपने इतना पढ़ा है, तो उसके बाद में कुछ ऐसे पॉइंट्स आप देना चाहें कि ऐसे करना बेहतर रहेगा अभी से शुरू से, या ऐसे नहीं करना ठीक रहेगा? सर, अगर हम एक स्ट्रक्चर को लेके पढ़ते हैं, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ये क्या है ये वह क्या है, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर को लेके पढ़ते हैं तो ठीक है, यू आर गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन, बट अगर हम उसको नहीं लेके कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है हमको, तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है सर उसको लेके, तो चीजों को लेके, तो हम लाइक सोचते हैं सब कुछ सीख लें, तो ऐसा नहीं होता सर। मेरे साथ तो खुद हाँ के साथ भी हो चुका है, मेरे को हर इंटरनेट में कुछ भी मिलता था, मेरे को ये भी सीखना है वो भी सीखना है ऐसे करके, बट ऐसा नहीं होता, तुमको एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है फोकस्ड उस रहना चीज के पड़ेगा लिए। उसको लेकर के कि पढ़ना हाँ क्या है। जी सर एक चीज़ ही मैं भी, बात आपने की है तो मैं इस चीज़ को ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कि अक्सर लोग क्या होता है कि कोरियन लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो वो 50 चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, कि ये साइट भी फॉलो कर लो, वो वाला यूट्यूब चैनल 10 फॉलो कर लिए उन्होंने, और 20 किताबें यहाँ वहाँ से डाउनलोड कर ली मटेरियल, इंस्टाग्राम फॉलो कर लिए 50,
वो आपको हैम्पर करेगा आपके प्रोग्रेस को, क्योंकि दैट विल टोटली कंफ्यूज यू, क्योंकि हर किसी का बताने का तरीका अलग होगा, हर किसी का प्रोनंसिएशन अलग होगा, कोई किसी चीज़ को बता रहा है शुरू में, क्योंकि हर कोई जो इंस्टाग्राम चैनल रन कर रहा है या हर कोई जो यूट्यूब चैनल रन कर रहा है वो कोई कोरियन लैंग्वेज के पढ़ाने वाले एक्सपर्ट टीचर्स कोई नहीं है, वो बस कोरियन लैंग्वेज जानते हैं, उनका इंटरेस्ट है तो वो बताना चाहते हैं वो, तो उनका हो सकता है कि सिस्टमेटिक वे में ना हो कि बिल्कुल वो स्ट्रक्चर में चलें वो, तो वो कुछ भी रैंडम आपको बताते जाएंगे, आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा एक समय के बाद में कि पढ़ तो आपने ढेर सारी चीजें याद कर ली लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ नहीं है आपको कुछ, वो वाला पॉइंट एक है, कई लोग करते हैं ऐसा बिगनर लेवल में गलतियां करते हैं लोग कि वो 10 चीजों को फॉलो करने लगते हैं। ओके अनु, ये आपको फ्यूचर में जो कोरियन लैंग्वेज को लेकर के है कि आप कैसे यूटिलाइज करना चाहती हैं इसको, एक तो आपने ऑलरेडी बताया कि ऑलरेडी आपके फादर के वर्क में कहीं ना कहीं रिलेशन है इसका, लेकिन पर्सनल आपको कुछ है ऐसा प्लान कि फ्यूचर में या आके कुछ वर्क करना चाहती हैं या ऐसे ही घूमने के लिए आगे आगे कुछ करना चाहती हैं, एक्सपीरियंस करना चाहती हैं या कुछ भी, कोरिया को लेकर के आपका क्या प्लान है? सर हाँ, मैं कोरिया में काम करना चाहती हूँ सर। ओके अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं हाँ सच्ची में उधर काम करना चाहती हूँ, उधर की लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ इसलिए। ओके अनुषी, आई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और अच्छा लगा बात करके आपसे, और आई होप कि यू अचीव ऑल योर गोल्स एंड ड्रीम्स एंड खमसामिदा। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करकर।